ये जो हाथ जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, इसकी हालत इस पत्ती को छूने की वजह से हुई है। क्या आपको पता है कि अमेजन पर ए और जेड के बीच में ये तीर का निशान क्यों लगा होता है? और क्या आप जानते हैं कि आई और जे के ऊपर में जो डॉट के निशान होता है, उसे डॉट नहीं बल्कि कुछ और कहा जाता है? तो आइए जानेंगे माइंड ब्लोइंग फैक्ट। नंबर 5, हमारी नाक लगभग 50,000 अलग अलग सुगंध को सूंघ सकती है और पहचान सकती है, और ये तो हम जीते जागते सबूत। हम जब भी कोई सुगंध को सूंघते हैं और उसके अलावा कोई दूसरी सुगंध को सूंघते हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये क्या है। नंबर 4, अमेजन में ये ए और जेड के बीच में तीर का निशान इसलिए लगा होता है क्योंकि अमेजन में ए से लेकर जेड तक हर सामान मौजूद है। नंबर 3, लोग पूछते हैं कि आखिरकार अर्थ में हम क्या पेंसिल यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही सवाल हमारे आमिर खान जी ने किया था। स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन इसका जवाब बहुत ही आसान है। अगर हम पेंसिल का उपयोग अर्थ में करें और अगर पेंसिल टूट जाए, तो यह हमें ही नुकसान पहुंचाएगी और यह हमारे नाक कान हर जगह जाकर घूमते रहेगी। नंबर 2, आई और जे के ऊपर ये जो बिंदु होता है, इसे डॉट नहीं बल्कि टाइटल कहा जाता है, जो कि हमें स्कूल में कभी नहीं बताया गया है। क्या आपको भी स्कूल में इस चीज का पता चला था? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, ये जो पत्ती देख रही है, ये कोई पत्ती मामूली नहीं है। इस पत्ती को छूने से ये जो आप हाथ देख रहे हैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसकी पत्ती इतनी खतरनाक है, तो इसका पेड़ कितना खतरनाक होगा? तो इस पेड़ का नाम है सैंड बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो सैंड बॉक्स पेड़ है, ये पेड़ काफ़ी खतरनाक पेड़। अगर हम इस पेड़ की पत्ती की बात करें, तो इस पत्ती को छूने मात्र से कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसके फल कैसा होगा? इसका फल अगर कच्चा है, नहीं पका है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इसका फल पक गया, तो आप इसे खाना नहीं बल्कि आप थोड़ा सुन लो, अगर इसका जो फल है ये पक कर सूख गया, तो ये कुछ इस प्रकार से ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन असली मज़ा तो तब आएगा जब इस पेड़ में चढ़ा जाए, तब हमें जो फील होगा वो अलग ही लेवल का होगा। ये तो आप मत ही करना नहीं। तो आपको कैसा लगा ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।